ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ आने वाली पूर्णिमा यानी कि ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के बारे में संपूर्णता से सभी जानकारियां शेयर करने जा रही हूं। दोस्तों, साल 2022 में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा कुछ शुभ संयोगों के साथ आ रही है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को हम वट पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। वट पूर्णिमा का क्या महत्व है, इस दिन किन देवी देवताओं की पूजा आराधना हमें विशेष करनी चाहिए दोस्तों, और इस ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन जो पूजा विधि है वो आपको क्या रखनी चाहिए, पूर्णिमा की तिथि कब से कब तक है, मतलब तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन किया जाने वाला वो खास उपाय, ये सभी जानकारियां इस एक वीडियो में आपको प्राप्त होने जा रही है। तो संपूर्ण जानकारियों के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हमारे धर्म में पूर्णिमा तिथि का खास महत्व होता है, और जो ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा होती है ये और खास हो जाती है, क्योंकि इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाल दाम्पत्य जीवन के लिए वट पूर्णिमा का व्रत रखती हैं। जैसा कि अभी अमावस्या की तिथि, ज्येष्ठ मास की जो अमावस्या की तिथि है वट अमावस्या के नाम से, उस दिन हम वट सावित्री पूजन करते हैं, उसी प्रकार से वट पूर्णिमा के दिन भी हमारे देश के आधे हिस्से में दक्षिण भारत और मध्य भारत में वट पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। तो दोस्तों, इस दिन इस व्रत का तो खास महत्व ही है, साथ ही हर पूर्णिमा की तिथि में हम सभी जानते हैं श्रीहरि भगवान विष्णु की, सत्यनारायण स्वरूप की हम पूजा आराधना विशेष करते हैं। पूर्णिमा की तिथि में माता लक्ष्मी की अगर रात्रि में हम पूजन करें, इसका बहुत ज्यादा फल हमें प्राप्त होता है। चंद्र दोषों से मुक्ति के लिए पूर्णिमा की तिथि में हमें भगवान शिव की और चंद्रदेव की पूजा आराधना भी जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, पूर्णिमा का व्रत जो भी व्रती करना चाहते हैं वो ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा से भी व्रत शुरू कर सकते हैं। अगर आपको मानसिक कष्टों से आप मुक्ति चाहते हैं तो आप पूर्णिमा का व्रत करें। पारिवारिक अगर कलह कलेश अशांति है परिवार में तो आप पूर्णिमा का व्रत करें। कुंडली में चंद्र ग्रहों से पीड़ित है, दूषित है चंद्र ग्रह कुंडली में, और इसकी वजह से अगर जीवन में समस्याएं आ रही हैं तब भी आपको पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए, बहुत राहत आपको मिलेगी। जो लोग मानसिक चिंता से ग्रसित रहते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, उनके लिए भी पूर्णिमा का व्रत बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। दोस्तों, अगर वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की अशांति रहती है तो उन्हें भी पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। तो ये ऐसे कारण होते हैं कि जो व्यक्ति अगर चाह रहे हैं और इस तरह की तकलीफों से गुजर रहे हैं उन्हें पूर्णिमा का व्रत धारण करना चाहिए। दोस्तों, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा पड़ रही है 14 जून को, मंगलवार का ये दिन है, और दोस्तों जो तिथि है वो प्रारंभ हो जाएगी 13 जून को ही। पूर्णिमा की तिथि 13 जून को रात्रि में प्रारंभ हो जाएगी 9:02 पर, जो कि 14 जून को समाप्त होगी 5:21 पर। तो जो पूर्णिमा का व्रत है उदया तिथि की वजह से 14 जून को ही व्रत लोग धारण करेंगे। इसी दिन वट पूर्णिमा जो वट सावित्री पूजन होता है जिन भी क्षेत्र में किया जाता है, विधि विधान से सुहागन महिलाएं कुंवारी कन्याएं इस दिन व्रत धारण करेंगी। अब ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन दोस्तों चंद्रोदय का समय भी आप नोट कर लें। चंद्रोदय का समय जो लोग चंद्र देवता को अर्घ देकर व्रत खोलते हैं उनके लिए बहुत विशेष महत्व रखता है। तो शाम के 7:29 पर चंद्रोदय का समय है, इसी समय आपको चंद्रदेव की विशेष पूजा आराधना करनी चाहिए। दोस्तों, पूर्णिमा के व्रत में जैसे आप हर पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा की जो तिथि होती है वो स्नान दान की भी तिथि होती है, इस दिन हमें सुबह उठना चाहिए और सुबह उठकर कोशिश करके किसी पवित्र नदी में अगर हम स्नान कर सके तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये सबके लिए हो नहीं पाता। तो ऐसे में आप घर में भी पवित्र तीर्थ का जल मिला करके स्नान करें और उसके बाद में व्रत का संकल्प करें। जो लोग इस दिन भगवान विष्णु के सत्यनारायण स्वरूप की पूजा आराधना करते हैं वो उनके सत्यनारायण स्वरूप की पूजा आराधना
कथा सुबह में अपने घर में करवाते हैं वो करवा सकते हैं। पूर्णिमा की तिथि में भगवान शिव की पूजा आराधना का भी बहुत महत्व होता है दोस्तों। तो जो लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं पूर्णिमा की तिथि में, उन्हें किसी मंदिर में जाकर के भगवान का इस दिन पंचामृत से अभिषेक जरूर कराना चाहिए। पूरे विधि विधान से भगवान शिव की इस दिन पूजा करनी चाहिए दोस्तों। इसके बाद जो लोग व्रती होते हैं वो सुबह से आप चाहें तो फलाहार कर सकते हैं पूर्णिमा की तिथि में, और संध्या काल में को चंद्रदेव को चंद्र दर्शन के बाद अर्घ दे करके व्रत खोलते हैं। तो ऐसे में चंद्रदेव को अर्घ देने के लिए एक लोटे में जल, उसमें दूध आपको मिलाना चाहिए, शक्कर, अक्षत और फूल डाल करके चंद्र दर्शन के समय आप चंद्रदेव को जल अर्पित करें और अपने जीवन में हर प्रकार की सुख शांति की कामना करते हुए चंद्रदेव से आशीर्वाद प्राप्त कर अपना व्रत उसके बाद में आप खोल सकते हैं। अब दोस्तों जो पूर्णिमा का ये ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का दिन होता है, ये वट पूर्णिमा के नाम से भी जैसा मैंने बताया जाना जाता है। तो जिस प्रकार से जो वट सावित्री व्रत का पूरा विधान, वट अमावस्या के दिन पूरे विधान की वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं कि किस तरीके से वट सावित्री पूजन किया जाता है, उसी विधि विधान से वट पूर्णिमा के दिन भी महिलाएं वट वृक्ष की पूजा आराधना करती हैं। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा सुहागन महिलाओं के लिए बहुत खास होती है। जिनकी नई शादी है वो व्रत की शुरुआत करती हैं। कुंवारी कन्याएं अपने अच्छे घरवर की कामना से भी वट पूर्णिमा का व्रत धारण करती हैं। तो दोस्तों इस दिन वट वृक्ष की पूजा आराधना करनी चाहिए। वट वृक्ष के पास ही आप सत्यनारायण और देवी सावित्री की पूजा करें। वट वृक्ष की फेरी का इस दिन महत्व होता है, तो आपको 8 या 12 जो भी आपके कुल के अनुसार नियम है उसके अनुसार फेरी लगाएं। वट वृक्ष की पूजा के लिए आपको जरूरी सामग्री, ये सभी वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं, उन वीडियोस के लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो इस दिन वट वृक्ष की पूजा विशेष की जाती है जिसका महत्व बताया गया है दोस्तों। अब ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन रात्रि में, रात के अगर आप 10 बजे कर सकते हैं बहुत अच्छा है, माता लक्ष्मी को आपको जरूर विशेष भोग लगाना चाहिए। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को आप खीर का भोग जरूर अर्पित करें। ठंडे खीर का भोग इस दिन अगर माता को आप अर्पित करते हैं, लक्ष्मी माता आप पर बहुत प्रसन्न रहती है। ऐसे घरों में कभी भी सुख समृद्धि कमी नहीं होती है। तो रात्रि 10 बजे आपको 9 से 10 बजे के बीच भी आप कर सकते हैं, माता लक्ष्मी को आप ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन खीर का भोग लगाएं और एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी के सामने, वैसे भी जब भी दीपक लगाएं तो लाल कलावे की बाती, लाल बाती मिलती है बाजार में, आप लाल बाती का ही दीपक, शुद्ध घी का दीपक आपको लगाना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं। पूर्णिमा की तिथि में दोस्तों सत्यनारायण स्वरूप की भगवान की जो पूजा आराधना करते हैं, कई लोगों के घर में सुबह में पूजा कथा होती है, कई लोग शाम में पूजा कथा कहते हैं। दोनों ही तरीके से आप पूजा कथा सत्यनारायण स्वरूप की, भगवान श्री हरि विष्णु की, करवा सकते हैं दोस्तों। तो ये विधान है ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का। इस दिन इन्हीं सभी देवी देवताओं की विशेष पूजा आराधना की जाती है। अपने जीवन में हर प्रकार के जो भी दुख तकलीफें हैं दूर करने के लिए हम इन देवी देवताओं का इस दिन आह्वान करते हैं, विशेष पूजन करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई ये सभी जानकारियाँ आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, आगे अपने दोस्त, परिवार, मित्रजनों तक जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए आए हैं दोस्तों तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।